अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब चीको? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारी दुआ जहाँ भी रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो जी, शाम के खाने की जो तैयारी हो रही है, तो शाम के खाने में आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, जो कि मेरी स्पेशल डिश है। बहुत ही शौक से खाती हूँ मैं दाल चावल, और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो आज मैं फिर से बना रही हूँ दाल चावल रात के खाने में। तो हानिया को देखें, अभी सोई हुई उठी है। ये देखें गाइस, सलाद के लिए गाजरें और खीरे मंगाए हैं, और ये बच्चे जो हैं और हम सब इन पर ऐसे ही टूट पड़े हैं। तो गाइस अभी मैं उठती हूँ, उठ के अब करती हूँ, हानिया का पापा आ गया है, तो अब वो हानिया को संभाल लेगा। और वैसे भी अब वो खीरा और गाजर खाने में मसरूफ़ हो गई है, तो अब मैं उठ के जो है अपना खाना वाना बनाती हूँ, देखती हूँ, सारा काम करती हूँ। हाँ जी गाइस, तो काफ़ी हद तक मैंने जो काम कर लिया किचन से, सारे बर्तन वगैरह समेट लिए हैं, और दाल में जो भी मसाले वगैरह डालने थे डाल लिए। ये देखें दाल बन रही है, जैसे बर्तन वगैरह मैंने अभी तो सारे इधर रखे हैं, इनको मैं धोती हूँ अभी, और ये चावल जो हैं इनको भी धो के भिगो देती हूँ। और रेहान के पापा ने चटनी बना ली है, और अभी वो सलाद तब तक बना लेंगे, और मैं जो हूँ ये बर्तन धो लेती हूँ, चावल वगैरह जो धो के भिगो देती हूँ। उसके बाद जो है ये बाहर का जो भांगो थोड़ा इसको समेटूँगी, सारी चारपाइयाँ अंदर सेट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावल जो है वो मैंने धो के इधर रखे हैं, और बर्तन वगैरह ये धो दिए हैं, ये अभी खुश्क हो जाएंगे, तो फिर मैं ये स्टैंड में लगा दूँगी। ये देखें हमारी रात के सोने के बिस्तर जो हैं वो भी सेट हो गए हैं। ये मेरी जगह है, ये ज़ियान मिनसा की है, ये इनके पापा की है। और सालन जो है वो अभी मैं चेक करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर लम्हे हर सांस के साथ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दाल जो है वो भी मेरी जो है अभी थोड़ी देर में तैयार होने वाली है। तो साथ जो है वो मैं पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, चावल बॉईल करने के लिए, और तड़के का सामान जो है वो काट लेती हूँ। तो फ्राई पैन लेके आती हूँ अभी मैं। वैसे तड़का तो मैं बस लहसुन और ज़ीरा का लगाती हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं, और एंड पे ऊपर गरम मसाला जो है वो छिड़क देती हूँ। तो अभी चलो जी, मैं पहले तेजका उठाती हूँ और उसके अंदर पानी डाल के लेके आती हूँ। ये वाला मेरा चावल बॉयल करने के लिए मैंने तेजका रखा हुआ है। तो गाइस पानी जो है वो मैं लेके आई हूँ, अभी इसके नीचे जलाती हूँ चूल्हा। ये देखिए मैंने पानी जो है बल्कि तेजका रख दिया। तो जी सालन जो बन रहा है, तो अभी चलो मैं जी इसके नीचे चूल्हा जला देती हूँ। चटनी यानी बनाई थी, चटनी के अंदर तो उसने पुदीना लहसुन और धनिया वगैरह सबको डाला था, लेकिन नहीं आता। तो फिर मैंने इसके अंदर खीरा तो उसने ऑलरेडी डाला था, मैंने इसके अंदर प्याज डाला, गाजर डाली और टमाटर डाला और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, और फिर जो है मैंने इसका इसको टेस्ट किया, तो बहुत मज़े का इसका जायका पहले से हो गया। तो बच्चे जो है मेरे वो जो इस तरह का वो यानी कि सारी मिक्स चीज़ों का सलाद नहीं खाते, तो वो सेपरेट जो है अलग से दही ऊपर डालती हैं और अलग से खीरा डालती हैं। तो उनके लिए जो है ये मैंने खीरा काट दिया, और ये दही जो है वो अलग थोड़ी सी रख ली थी मैंने, क्योंकि फिर वो बाद में रोला डालते हैं कि मामा इसके अंदर प्याज है, इसके अंदर खीरा है और टमाटर है, इसके अंदर गाजर, इन सबको निकालो। तो मैंने इसके लिए उनके लिए अलग ही बना देती हूँ। दाल की आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की दाल बनी है। अभी अगर आप पास होते तो मैं आपको चेक करवाती, टेस्ट करवाती, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो जी दाल भी मेरी बन गई है, चावल जो है वो इधर बॉईल करने के लिए मैंने रखे हुए हैं। इसके अंदर जो है ना, मैं अब तो मैं तड़के वाले बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं बना सकती, टाइम नहीं था इतना, तो बच्चों को भूख लग रही थी। तो मैं इसके अंदर ना फिर पानी में ना जीरा डाल देती हूँ, इसके अंदर नमक डाल देती हूँ एक चम्मच जो है वो, अगर ऑयल है तो वो डाल देती हूँ, नहीं है तो घी का एक चम्मच डाल देती हूँ। तो अभी ये बॉईल जब हो जाएगा तो इसको मैं छान के फिर इसको दोबारा से इसके अंदर एक चम्मच घी की डाल के इसको दम पर रख दूँगी। तो जी गाइज, अगर आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर लाजमी किया करें। हाँ जी गाइस, तो चावल जो है वो मैंने दम पर रख दिया है माशाल्लाह से। तो ऊपर जो है ना मैं वज़न रखती हूँ, तो अभी तो मैंने कहा कि चलो मैं ये दाल वाला देज का जो है यही रख देती हूँ उसके ऊपर, तो जो हल्की आंच पे मैंने दम पे चावल रख गाइस। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो मैं चावलों का दम खोलने लगी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि चावल जो है वो अच्छे बने होंगे। अब देखते हैं क्या है हिसाब। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना चावल गाइस माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, ऐसे खिले खिले बने हैं। तो अभी जो है मैं इनको प्लेटों में डालती हूँ, प्लेटें जो है ना वो मैंने इधर रखी थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ डाल के फाइनल चावलों की लुक जो है ना वो दिखाती हूँ। तो ये देखें ये दाल है और ये चावल है, और अभी जो है दाल मैंने सेपरेट ही रखी है, क्योंकि वो उनको जितनी चाहिए होगी उतनी डालेंगे, और सलाद के साथ में सेपरेट ही उनको दूंगी। तो ये मैंने अपने लिए डाली है, दाल मैंने अपनी ऊपर ही डाली है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा खरारा जो है ना वो नहीं संभाला जाता। तो अभी मैं भी अंदर जाती हूँ और अंदर जाके चावलों को इन्जॉय करती हूँ, और आपको भी दिखाती हूँ कि सब लोग कैसे खा रहे हैं।